हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान में। तो आज मैं आपको जो वैकेंसी की अपडेट बताने वाला हूँ, वैकेंसी की अपडेट देखने से पहले यार आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि देखो, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताना है, जो कि 5 सेकंड का काम है। तो जल्दी से कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को बता देना, जिससे कि हमें वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट वैकेंसी का अपडेट हम आपको उसी रिलेवेंट अपडेट कराएंगे जो आप कमेंट करके आप क्वालिफिकेशन को अपनी बताओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सारे सारा का सारा जो प्रोसेस है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे आपको आवेदन करना है, इसमें आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, सभी जानकारी आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अडानी पावर कंपनी की तरफ से आ गई है भाई लेटेस्ट जॉब। इसमें आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोजीशन देखने को मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन के पदों पर यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पे काफ़ी सारे और भी पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं CTC 9 लाख पर एनम तक आपको देखने को मिलेगा, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। और इसके लिए आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कैंटीन की सुविधा, बस की सुविधा, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कोई भी टाइप किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए कौन सी पोजीशन को आपको देखना होगा जो कि कैंडिडेट फ्रेशर हो, उनके लिए मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट सैलरी बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, डायरेक्टली यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है, किस बेसिस पर रहेगी चलिए मैं आपको वीडियो में पूरा विस्तार से जानकारी बता देता हूँ, ताकि आपको सारी समझ आ जाए और कैसे आवेदन करना है ये भी आपको समझ यहाँ पे आ जाए। तो गाइस देखो, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ताकि यार कोई भी स्टेप को मिस ना कर पाओ, और फिर आप मुझसे ये नहीं कहो कि यार आप सर आपने ऑनलाइन करना नहीं बताया। तो देखो समझ लीजिएगा पहले आप, तो उसके बाद में ही आवेदन करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अधूरी जानकारी देखने के बाद ही आवेदन शुरू कर देते हैं फॉर्म भरना, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाते भाई, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जो है वो आप समझिए कैसे आवेदन करना है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये जानकारी आप समझ लेंगे तो आप आवेदन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अडानी पावर की तरफ से जो वैकेंसी निकली है भाई, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे 873 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 873 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अगर आपको पूरी डिटेल से जाननी है तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, जानकारी बता रखी है कि आपको कैसे आवेदन करना होगा, किस पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, तो ये सभी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों अडानी पावर कंपनी की तरफ से जो वैकेंसी डिटेल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाई मोड, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और टेलीग्राम। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और मैंने पिन कमेंट भी कर रखा है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि होगा ये कि जो भी अपडेट होंगी, मैं आपको यूट्यूब पर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता वीडियो बना के अपडेट देना, तो मैं आपको जो भी अपडेट होती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करा देता हूँ। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करके रखिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसका अप्लाई प्रोसेस, अप्लाई मोड कैसे करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, वो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, देखो इसमें कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनका फॉर्म जो है वो ऑफलाइन के थ्रू भी होता है, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आपने देखी होंगी कि ऑफलाइन के फॉर्म भरने के बाद आपको भेजना होता है फॉर्म, ठीक है, दिए गए पते पर। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये जो आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, वैकेंसी बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में, तो देखिए यहाँ पे काफी सारी पोस्ट देखने को आपको मिलेंगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का पद है, ठीक है, एंड और भी यहाँ पे काफी सारे पद यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हु कैन अप्लाई की, तो जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन के लिए हो
दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आईटीआई कर रखा आपने तो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा कर रखा है चाहे आपने बीबीटेक कर रखा हो, ठीक है। तो सभी उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई है तो आप देख सकते हैं, मिनिमम जो एज है वो 18 और जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष से आपकी जो आयु है वो अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस अडानी पावर कंपनी के द्वारा बहुत ही ईजी होता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनकी क्राइटेरिया रखी गई होती है कंपनी की तरफ से। इनको आपको क्वालिफाई करना होता है, तब आप जो है कंपनी के लिए पात्र होंगे नौकरी करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसके लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो देखो, यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या फिर बीबीटेक हो। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, साथ ही साथ रिज्यूम और CV, पासपोर्ट साइज फोटो और कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर कहाँ मिलेगा? कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर, तो मैंने टेलीग्राम का जो कवर लेटर का लिंक है डायरेक्टली दे रखा है, नीचे आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बारे में बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं निल है, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो भी इसके लिए निल है, कोई चार्ज भुगतान नहीं करना है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे 17 जुलाई से, लास्ट डेट जो रखी गई है वो 9/8/2024, यानी कि 9 अगस्त 2024 रखी गई है। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की, कि आपको आवेदन कैसे करना होगा, इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है, तो चलिए पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो गाइस देखो, आवेदन करने के लिए एक तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक दे रखा है, अब जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको जो बताया था शुरुआत में ये फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स के माध्यम से सारी डिटेल्स आपको समझने को मिल जाएगी और देखने को भी मिल जाएगी। सेकेंड प्रोसेस है ये कि आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑनलाइन जॉब तक, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ऑनलाइन जॉब तक आप जैसे टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले जो टैब देखने को मिल रही है www.onlinejobtak.online, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का जो वेबसाइट है वो खुल के ओपन हो जाएगा, और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स समझ में भी आएंगी और आवेदन करने का लिंक भी मिलेगा और नोटिफिकेशन की जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर के आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो कोई और आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाओ, डायरेक्टली आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाए, सारी की सारी डिटेल्स आप समझ पाओ आराम से, ठीक है। तो उसके लिए आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है आवेदन करने के लिए, और यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए इंपोर्टेंट लिंक, जैसा कि अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, कैसे आवेदन करें इसकी वीडियो का लिंक, तो ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे अप्लाई लिंक पर, आप देख सकते हैं 873 यहाँ पे जो वैकेंसी ओपन हुई है, यहाँ पे आपको लोकेशन ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब जिस भी स्टेट्स में अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आप एलिजिबल होंगे, तो अपने सबसे पहले क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। टेक्नीशियन की पोस्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने आईटीआई कर रखा है 2 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जॉब जॉब शेड्यूल, जो कि फुल टाइम ये वैकेंसी रहने वाली है, और यहाँ पे जॉब पोस्टिंग जो हुई है वो यहाँ पे 24/7 के लिए अपडेट करी गई है, ठीक है, कई सारी वैकेंसी आज के दिन ही अपडेट करी गई हैं। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये काफ़ी सारी जो पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले आपको देख लेना कि आपको कोई सी भी वैकेंसी पर क्लिक करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन को देख लेना है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप, मैं जो बता रहा हूँ कि उसी पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया आपने, आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है और भर रहे हो बीबीटेक वाले फॉर्म, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन को देखना, उसके बाद ही आवेदन करना। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन करना है, मैंने आईटीआई कर रखा है 2 साल का, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई का जो बटन दे रखा है मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा।
अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमेल आईडी, तो मैं आपकी अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे दे दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा सामने एक फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने इस तरह का फॉर्म खुल के ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसा कि अपना फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो आप टाइटल में डाल दीजिएगा, मिस्टर मिसेस जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा मिडिल नेम, ठीक है, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्वेश्चंस होंगे उनको फॉलो करके आपको जवाब देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको ड्रॉप ड्रॉप रिज्यूम हियर, ठीक है, तो यहाँ पे रिज्यूम को अपलोड करना है और यहाँ पे कवर लेटर को अपलोड करना है। कवर लेटर मैंने आपको टेलीग्राम पर डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक भी मिलेगा टेलीग्राम का, जो कि कवर लेटर पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट आपको करा देगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना सारी डिटेल्स, और उसके बाद फिर आप आपको आई एग्री पर टिक करना है। यहाँ पर अपना फुल नेम को देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म यहाँ तक सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, सबमिट जब होगा, जब आप आगे पूरी डिटेल भरोगे, जैसे कि अपना वहाँ पे अपने फादर नेम, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, अपने फोटो अटैच करना, ये आपको कई सारे प्रोसेस जो है वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरे फॉर्म को आपको भरना है। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई समस्या हो रही हो फॉर्म भरने में या किसी भी समस्या हो रही हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, ताकि मैं आपको जितने भी कमेंट्स आप करते हो सभी के कमेंट के रिप्लाई में देता हूँ।